दो पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक पोलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी। आपको पता है कि सुबह 8 बजे का टाइम था पोलिंग का और इस वक्त 12:10 है और वोटर लिस्ट जो थी वो उनको नहीं पहुंच सकी सही वाली। तो सुबह से हमारे लोग वहाँ 6 बजे से बैठे हैं। लाजमी है बाराड़ी से लोग आते हैं, शहर के बाहर से आते हैं, दही इलाकों से आते हैं, तो सुबह ले आ जाते हैं लोग, तो वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और हम इसलिए आए DRO साहब के पास कि हम उन्हें बताएं कि जी इस तरह का मसला हुआ है और वोटर्स लिस्ट जो है वो सही नहीं पहुंच पाई है। अभी हमने DEC को भी कहा है, DRO को भी कहा है, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है। हमने ACP को भी यहीं बैठकर ख़त लिखा है, उन्हें कहा है कि प्लीज़ ये ACP को फैक्स करें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला आज हमें फ़ोन लाइंस का हो रहा है। फ़ोन लाइंस डाउन होने की वजह से हमें इतनी दुश्वारी हो रही है और जो पसकरदाई में इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, हमारा वहाँ रबता नहीं हो रहा, अपने एजेंट्स के साथ रबता नहीं हो रहा। लाजमी हम परेशान हैं, हमें अपने वोटर की बार बार जो है खैरियत मालूम करनी पड़ती है, क्योंकि जिन हालात में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं ये बड़े गैर मामूली हालात हैं, क्योंकि हमारे सामने जो मुखालिफ खड़ा है वो बंदूकों के साथ घूम रहा है। हमने ये भी DRO को बताया कि खुले आम असलहे की नुमाइश हो रही है, खुले आम जो कैंडिडेट है PS-40 पर, उसका बेटा जो कवर कैंडिडेट है नालोचा है जो अब्दुल हकीम जो उनके कैंडिडेट के बेटे हैं, जो कवर कैंडिडेट भी हैं, वो खुलेआम असलहे की नुमाइश कर रहे हैं, गाड़ियों में असलहा भर के घूम रहे हैं और इस तरह की हरकत जो कि ECP ने मना किया हुआ है कि असलहे की नुमाइश नहीं होगी। आप एक बंदूक कह रहे हैं, उनके पास कई दर्जनों बंदूकें गाड़ी में लोगों के हाथ में, वो नुमाइश कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला असले के साथ घूम रहे हैं। हमने DRO साहब को बताया है, इस पर नोटिस लिया जाए, क्योंकि लोग इलेक्शन के लिए वोट के सिलसिले में निकलते हैं, ये जंग नहीं है, इसको जंग बनाने की कोशिश ना की जाए। तो हमने उनको बताया जो हमारा फर्ज था, जो हम कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं, कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कैंडिडेट उसके बेटे असलहे के साथ घूम रहे हैं और पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही? तो इसलिए हमने DRO को बताया और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह करे कि ये लोग जल्द एक्शन लें। देखिए अभी तक फोन लाइंस डाउन है तो मुझे तो ये पता ही नहीं कि लोग कैसे इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन यकीनन पीसफुल होने चाहिए। एक और मुझे खबर आई है, हमारे जो PS के कैंडिडेट हैं अली हसन साहब, उधर से आई है कि एक पोलिंग बूथ है जिसको हमने हसास के लिए कहा था, वो हसास तो करार नहीं दी गई, लेकिन जो लेडीज पोलिंग बूथ है, पोलिंग स्टेशन है, उसमें एक ही कमरे में 4 बूथ लगा दिए गए। अब ये तो नहीं, ये तो गलत बात है ना कि आप नवाबाद हिंगोरो के अंदर जो बूथ है, स्टेशन है, उसमें 4 बूथ एक ही कमरे में लेडीज के लगा दिए गए। अब ये किस तरह की नाइंसाफी की जा रही है? तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर फोन लाइंस डाउन है, इनको भी दिक्कत हो रही है, तो कम से कम आप ग्राउंड पे जाएं और देखें ये मसाइल हो रहे हैं। अब मुझे ऑल द वे यहाँ पे आना पड़ा और खुद इनको बताना पड़ा कि ये मसले हो रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये खत लिखा है और मैं उनको बताया है कि 11:36 पे मैं जब ये खत लिख के उनको दे रही थी कि 11:36 तक हमारी 2 पोलिंग स्टेशन, एक पेरूमल की, एक टंडो मीठा खान की, ये स्टार्ट नहीं हो सकी है। तो ये नाइंसाफी है, यहाँ हमारा वोटर है, बैठा है, इंतजार कर रहा है वोट डालने के लिए। अगर आप लोग हमारा ये पैगाम पहुँचा सकते हैं तो प्लीज आप ये पहुँचाएं। मजीद खबरन आई तफसीलात लाए विजिट कयो असाजी वेबसाइट www.awaminewshd.com।